पत्र लिखने के बाद ढाई घंटे में तबादला आदेश निरस्त हुए, जिसे लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने न्यूज 18 से खुलकर बात की है। प्रदेश में तबादलों के रोक के बावजूद 40 शिक्षकों के तबादले कल कर दिए गए और ये जो पूर्व तबादला सूची थी वो उपचुनाव की आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई, लेकिन मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के विरोध के बाद उनके एक पत्र के बाद सरकार को निर्णय वापस लेना पड़ा और तबादला सूची को निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद प्रिंसिपल आज किरोड़ीलाल मीणा जी से मिले। सर आज प्रिंसिपल आपके पास में आए थे, हम सरकार में आपस में कोई विरोध प्रकट थोड़ा करते हैं। आपने आपत्ति जताई थी, आप बोल रहे हो विरोध कर किया, ऐसा आपत्ति जताई थी आपने? आपत्ति भी नहीं जताई मैंने, मैंने उनको मंत्री जी को ये कहा था कि ये इसको थोड़ा एक्सरसाइज करके ट्रांसफर करो, इनकी शिकायतें हैं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, जब तक आप इसको रोक लो। तो मंत्री जी ने सदा सहायता बरतते हुए वो निरस्त कर दिया और जो भी शिकायतें होंगी चुनाव के बाद उनके खिलाफ वांछित कार्रवाई की जाएगी। एक बात ये थी कि तबादलों पे बैन था, उसके बाद ठीक पहले सूची आती है उसमें 200 से ही, जैसे कि और भी जगह आता है कि 26 जो प्रिंसिपल थे वो एक ही जाति के थे, उनको बाहर एकदम दूर भेजा गया उपचुनाव को देखते हुए, ये भी माना जा रहा है कि आपकी आपत्ति इसी वजह से आई थी? नहीं नहीं, जाति आती इसके आधार पर ट्रांसफर नहीं किया जाता, वो तो जिसकी शिकायत होती है उसका ट्रांसफर हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि सरकार बैन में ट्रांसफर नहीं कर सकती, सरकार जो है एआर से परमिशन लेती है और ट्रांसफर होते हैं, ऐसा नहीं है कि बैन का मतलब बैन है। ठीक है, कोई शिकायत आएगी तो ट्रांसफर भी होगा। ठीक है, बिल्कुल। आज प्रिंसिपल आपसे मिले थे, क्या कहा उन्होंने आपसे? हाँ, कुछ आए थे दो चार, तो उन्होंने ये कहा साहब हमारी कोई शिकायत है तो उनकी जांच करवा लो और बेशक हम जहाँ भी सरकार कोई कार्रवाई करेगी वहाँ जाने के लिए तैयार है। डॉक्टर साहब एक बात सोशल मीडिया पे भी चलती है, जब ये आदेश इस तरह के निकलते हैं कि जब कुछ पिछले 3-4 बार ऐसा देखा गया कि सरकार ने जब कुछ आदेश निकाले, एक निर्णय लिए, वापस से यू टर्न लेना पड़ा, वापस से उस आदेशों को निरस्त करना पड़ा, इससे मतलब ऐसा नहीं मानते कि कहीं ना कहीं फैसले गलत हो रहे हैं या सही हो रहे हैं, क्या मानते हैं हम इसको? नहीं यार, आप एक अब आप ही हमारे खड़े हो बात कर रहे हो, हाँ। आपकी बात पूरी होगी तो आप यू टर्न नहीं लोगे, उसमें क्या दिक्कत है? यू टर्न अगर जिंदगी में नहीं लोगे तो मामला बनेगा कैसे? कई बार निर्णय ऐसे हो जाते हैं जिनमें पीछे हटना पड़ता है, पिछली सरकार भी बहुत मामलों में पीछे हटी थी, आपको पता है रीट का पेपर लीक हुआ था जब सरकार ने मना कर दिया था और हमने धरना दिया था, आंदोलन किया तो सरकार को यू टर्न लेना पड़ा ना। तो जनता, जनहित और जनता की मांग के हिसाब से, क्योंकि जनता के द्वारा हमको यहाँ बैठाया गया है तो जनता का जो मूड है, जनता की जो इच्छा है, तदनुकूल यू टर्न भी लेना पड़ता है। आखिरी सवाल मेरा, सब इंस्पेक्टर भर्ती। खैरथल तिजवारा जिले के भिवाड़ी से खबर है, भिवाड़ी में चोरों का आतंक, इलेक्ट्रॉनिक शॉप मालिक को बादों में लगाकर चोरी, गले में रखे 60,000 रुपए की ये चोरी, दोनों ही चोर इलेक्ट्रिक सामान खरीदने आए थे दुकान पर मौका देखकर गले में से उड़ाए 60,000 रुपए। आपको बता दें कि चोरी करते समय दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद, पीड़ित ने भिवाड़ी थाने में चोरी का मामला करवाया दर्ज, थाना पुलिस सीसीटीवी कैमरे की सहायता से चोरों की कर रही तलाश। तो भिवाड़ी में चोरों का आतंक है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप मालिक को बातों में लगाकर चोरी का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, गले में रखे 60,000 रुपए चोरी की है। इस दौरान तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं किस तरीके से नजर हटी और दुर्घटना घटी है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मालिक को बातों में उलझाया दोस्त ने और एक ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट है, दौसा में चेकिंग के लिए लगाए गए जगह जगह नाके और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होकर आ रहे वाहनों की भांडारेट में चेकिंग हो रही है। न्यूज 18 की टीम ने विधानसभा उपचुनाव के लिए लगाए गए नाके का जायजा लिया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं, सामानों की चेकिंग की जा रही है, गाड़ियों को रोका जा रहा है। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लग चुकी है, 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, इसके लिए नाकेबंदी शुरू हो गई है।
स्थायी नाके लगाए गए हैं, कई अस्थायी नाके लगाए गए हैं। बाहरी राज्यों से जो गाड़ियां आ रही है उनकी चेकिंग की जा रही है। आप देख रहे हो कि ये छत्तीसगढ़ नंबर की जो गाड़ी आई है इसको रोका गया है। पुलिस की जो टीमें हैं वो दौसा जिले में जहाँ भी नाके हैं वहां पर तैनात की गई है और पुलिस की टीमें लगातार चेकिंग कर रही है प्रत्येक गाड़ी को, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से उतर कर भंडारे मोड पर ये गाड़ियां आ रही है। ऐसे में जो भी गाड़ी यहाँ पहुंच रही है उसकी चेकिंग की जा रही है और जो ड्राइवर को रोक के पूरी अंदर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि आचार संहिता का जो पालन हो सके। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव है, इसी को देखते हुए पूरी जो चेकिंग की जा रही है उसको देखा जा रहा है कि गाड़ियों में किस प्रकार का सामान है और क्या किस प्रकार की कोई अवैध सामग्री तो नहीं जा रही है, कोई मादक पदार्थ नहीं जा रहा है, कोई कैश नहीं जा रहा है, इस तरह की पूरी चेकिंग की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हो कि जो सूटकेस है उसके जो कपड़े हैं उनको चेकिंग की जा रही है, कई कपड़ों में छिपा कर कोई कैश तो नहीं लेकर जाया जा रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। जगह जगह एफएसटियां जो काम करना शुरू कर दी हैं और दौसा में जितने भी दौसा जिले में प्रवेश करने वाले मार्ग हैं वहां पर पुलिस अलर्ट कर दी गई है। और ये जो लोकेशन है ये भंडारेज मोड़ के समीप की है और जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में यूपी हरियाणा पंजाब और दिल्ली से जो गाड़ियाँ आ रही है उनकी चेकिंग की जा रही है। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा।